अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AMS हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। स्टूडेंट्स, आइए हम अपने एक्सरसाइज को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 2.3, फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जी स्टूडेंट्स, हमने मुफरिद तजी के ज़रिए मुफरिद तजी के तरीके से ज़ाफ़िकल मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। एलसीएम ऑफ 21, 27 एंड 81 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जी स्टूडेंट्स, हमने इसके प्राइम फैक्टर बनाए। 21 के प्राइम फैक्टर बनते हैं 3 × 7 = 21। प्राइम फैक्टर ऑफ 27, 3 × 3 × 3 × 3 = 9 9³ = 27। प्राइम फैक्टर ऑफ 51 = 3 and 17 17 × 5 = 51। प्राइम फैक्टर ऑफ 81 3 3 3 and 3। जी स्टूडेंट्स, 3 × 3 = 9 9 × 3 = 27 27 × 3 = 81। तो स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर 3 × 3 × 3 = 27। ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आए हैं 3 3 3, और इसका आंसर आया है 27। अब जो हमारे पास अनकॉमन है 1 2 3, ये 3 तो हमारे पास कॉमन थे। अब हम देखते हैं अनकॉमन कौन से हैं। 7 × 17 × 3। जी स्टूडेंट्स, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर बनता है 357। अब हमने कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर के आंसर्स को मल्टीप्लाई करना है। 27 × 357 = 9639। तो एलसीएम हमारा बनता है 21, 27, 51 and 81 का 9639। तो स्टूडेंट्स, आइए हम एक्सरसाइज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 20, 25 and 50। तो स्टूडेंट्स, आइए सॉल्यूशन को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2.3, फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मुफरिद तजी के ज़रिए से ज़ाफ़िकल मालूम करें। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास 20, 25 and 50। सॉल्यूशन करते हैं इसका। जी स्टूडेंट्स, 20 × 10 = 10। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 20 के बने 2 2 and 5 2 2 and 5। जी स्टूडेंट्स, 25 के प्राइम फैक्टर देखते हैं 25 5 5 = 25 5 1 = 5। 25 के प्राइम फैक्टर ऑफ 25 5 and 5 5 × 5। 50 के देखते हैं 2 2 = 4 1 = 2 5 = 10। 25 हो गया 5 5 = 25 5 1 = 5। जी प्राइम फैक्टर ऑफ 50 2 5 and 5। जी स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि तीनों में कॉमन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे पास। कॉमन फैक्टर है हमारे पास 2 5 and 5। पहले हमने 3 में देखना है, उसके बाद हमने 2 का देखना है कि 2 कौन से हैं और 3 कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 5 जो है वो 3 टाइम है, फिर 5 हमारे पास 2 टाइम है और 2 हमारे पास 2 टाइम है। तो हमारे कॉमन फैक्टर बनते हैं 2 5 and 5। हमने इनको मल्टीप्लाई करना है 2 5 = 10 10 5 = 50। जी स्टूडेंट्स, अब अनकॉमन फैक्टर देखते हैं। अनकॉमन फैक्टर इज इक्वल ओनली 1 है 2। तो हमने एलसीएम इज इक्वल कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का आंसर था हमारे पास 50
और अनकॉमन फैक्टर हमारे पास ओनली वन है, टू, तो हमने 50 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 100। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? सो हमारा एलसीएम आ गया है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। हमने क्वेश्चन नंबर वन किया, इसके बाद हम 3 डिजिट वाला किया, अभी हम 4 का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, 26, 58, 56, 140, 420, 28, 56, 140, 420, 420, 28, 56, 140, 420, 440, 420, 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
नंबर 6, 28, 56, 140, 420. ये स्टूडेंट सॉल्यूशन देखते हैं, 28, 56, 140, 420. प्राइम फैक्टर बनाते हैं इनके, 28, 2 वन द 2, 2 फोर द 8, 2 सेवन द 14, 7 वन द 7. ये स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टर ऑफ 28 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 56, 2 टू द 4, 2 एट द 16, 2 वन द 2, 2 फोर द 8, 2 सेवन द 14, 7 वन द 7. ये स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टर ऑफ 56 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7. ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं, प्राइम 140, 2 सेवन द 40, 0, 2 3 द 6, 1 कैरी, 2 5 द 10, 35 बन गया, 5 7 द 35, 7 द 7. ये स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टर ऑफ 140 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. ये स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टर ऑफ 420, 2 टू द 4, 2 वन द 2, 0, 2 0 0, 2 वन द 2. अब हमारे पास 2 चला गया है और नेक्स्ट हमारे पास अमाउंट है 1, 1 2 पर नहीं जाएगी, हमने इसके साथ 0 को ले लेना है. 2 अमाउंट को डिवाइड करने के लिए हमने पहले 0 लगाया, 2 5 द 10. नेक्स्ट देखें, 5 टू द 10, 5 वन द 5, 3 7 द 21, 7 वन द 7. प्राइम फैक्टर ऑफ 420 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7. जी स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर चारों में कौन कौन से बनते हैं. जी स्टूडेंट्स दो ये अमाउंट जो हमारे पास चारों में पाई जाती है, ये देखें 2 2 2 एंड 2, हमने इसको सर्कल कर दिया. नेक्स्ट देखें, यहाँ पर भी चारों अमाउंट में हमारे पास 2 है तो हमने इसको भी सर्कल कर दिया. नेक्स्ट देखें, 7 1 2 3 एंड 7, तो स्टूडेंट्स ये 7 हमारे पास चारों अमाउंट में आ रहा है, इसको भी हमने सर्कल कर दिया. ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास 5, 5 हमारे पास 2 डिजिट्स में आ रहा है तो ये भी हमने सर्कल कर दिया. तो हमारे पास कॉमन फैक्टर बन गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 टू द 4, 4 4 टू 5 द 20, 20 मल्टीप्लाई 7 140. ये स्टूडेंट्स अनकॉमन फैक्टर देखते हैं इसके, 2 एंड 3, 2 एंड 3 को मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारे पास बनता है फिर 6. ये स्टूडेंट्स एलसीएम लेने के लिए हमने फार्मूला लगाना है, एलसीएम इज इक्वल है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर. ये स्टूडेंट्स कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर का हमारा आंसर था 140, अनकॉमन फैक्टर का आंसर था हमारे पास 6. 140 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास बनता है 840. एलसीएम क्या बन गया हमारे पास, 840. जी स्टूडेंट्स 2.3 तमाम सवाल हमारे सेम मेथड से होने हैं. अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 6 किया, अब हम प्रैक्टिस वर्क में क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको सवाल समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट लेसन के लिए दोबारा हाजिर होंगे। फिर अमानुल्लाह।